हिमाचल प्रदेश में बीते 5 साल में मॉनसून ने इस बार सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। 2018 के बाद पहली बार इस वर्ष बारिश से 1721 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह हुई है। चिंता इस बात को लेकर है कि मॉनसून का अभी लगभग एक महीना बचा हुआ है। वहीं बात करें अगर 2018 की तो इस साल सबसे ज्यादा 1578.08 करोड़ का नुकसान मॉनसून सीजन में हुआ था। लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 940.27 करोड़ रुपए, जल शक्ति विभाग को 708.95 करोड़, बिजली बोर्ड को 5.62 करोड़ का नुकसान आंका गया है। मॉनसून से पहले सूखे ने भी इस बार भारी नुकसान पहुँचाया है और अब बारिश कहर बनकर बरस रही है। इस बार मॉनसून में आई आपदाओं में जान गंवाने के लिहाज से 2022 बीते साल से बेहतर रहा। 2021 में 476 लोगों की जान चली गई, इस बार 270 लोगों की मौत हो चुकी है। 47 सड़क दुर्घटना में 149 की मौत हुई है। फ्लैश फ्लड की 65 घटनाओं में 5 की मौत हो गई है। भूस्खलन की 75 घटनाओं में 19 की मौत हो गई है। बादल फटने की 12 घटनाओं में 30 की मौत हो गई है। पेड़ व पहाड़ से गिरने की 35 घटनाओं में 35 की मौत और अन्य 29 कारणों से 49 की जान गई है। प्रदेश में 1 जून से 25 अगस्त तक शिमला में सबसे ज्यादा मेघ बरसे है। इस अवधि में शिमला जिला में सामान्य से 46% अधिक और लाहौल स्पीति में सामान्य से 61% कम बारिश हुई है।